वालेकुम। मैं नेक लाइन बनाने लगी हूँ चिकन की कमीज के लिए। तो ये चेपी का पीस है और ये पैनल के लिए है। ये ऊपर गोल गला जो है ना वो मैंने काटा हुआ है ऊपर लगाने के लिए। यहाँ पे नीचे का पैनल जो है वो 14 इंच काटूँगी। इसकी चौड़ाई जो है वो डबल की 1 इंच और 0.8। इसकी लेंथ मुझे 14 इंच चाहिए। ये देखिए, अब यहाँ से ये साइडों की कटिंग, ये अंदर का हिस्सा जो है ये मैं काट रही हूँ। और ये बाहर वाला जो हिस्सा है इसको भी थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। ये पैनल कट गया है और इसके अलावा ये 2.5 इंच चौड़ा और 14.5 इंच लंबा है। ये 2.5 इंच चौड़ा है और 14.5 इंच लंबा है। ये एंड में हम इसके अंदर लगाएंगे। ये देखिए, तो इसको मैं चेपी पे चिपका के, कपड़े पे चिपका के लाती हूँ जी। ये देखिए, ये जो पैनल काटा था ये उसको मैंने चिपका के और सिल लिया, यहाँ पे सिलाई कर लिया। और ये गला है, इसको चिपका के सिलाई कर लिया। और जनाब इसके बाद ये जो 2.5 इंच चौड़ी चेपी थी और गालबन 13.5 इंच लंबी थी, ये वो है, इसको चिपका लिया। ये इसकी सीधी साइड है। और उसके बाद ये पीस हैं, ये 2.5 बाय 2.5 के पीस हैं। तो इनको इस तरह किया है और अब इनको इस तरह करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा नज़र आता रहे और इसको यूं डबल करके यहाँ पे प्रेस करना है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसको प्रेस करना है ताकि क्रीज बन जाए। और फिर इसी क्रीज पे इस तरह ये बीच वाली नोक बना के इसको भी फिर इस तरह प्रेस कर देना, ठीक है। जैसा कि आप ये देखिए, ये जितने मुझे चाहिए गले के लिए उतने मैंने किए हुए हैं। ये देखिए, तो अभी सबसे पहले ये जो मेरा गला है ये 7 इंच डीप है, तो यहाँ 7 पे निशान लगाऊंगी शर्ट को लेके।
और इस निशान से भी एक इंच ऊपर मैं जो है ना ये शुरू करूंगी। ये वाला, ये देखिए इसका भी सेंटर पॉइंट है, तो इसको पहले बीच में से ये देखिए ये मैं लगा रही हूँ सेंटर लाइन लगा के, उसके बाद ये साइड वाली एक सिलाई लगा रही हूँ। अब आप देखिए ये जितना हमने पैनल लगाया है ना, उसी जगह से हम बीच का कपड़ा काटेंगे, यानी ऊपर जहाँ पे गला लगना है वहाँ से अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज़ गले का जो मसला है ना वो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ से भी ये चेपी के कोने तक कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह, और अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं इस्त्री इसको करके लेके आती हूँ जी। ये देखिए ये मैं प्रेस करके ले आई हूँ। अब ये अंदर वाली जो पट्टी है इसको तैयार करेंगे। ये इसकी मैंने सेंटर लाइन लगाई हुई है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले ये चीज़ लगाएंगे,
ऊपर से एक इंच छोड़ के ये सेंटर लाइन पे इसका कोना आएगा। ये एक साइड पे 5 लगाऊंगी। अब दूसरी साइड पे इसका कोना, ये दोनों कोने जो है ये आपस में मिलने चाहिए, तो इसके सामने रख के ये लगा दो। अब इसको यहाँ पे रख के, और ये देखिए इधर से ये सेंट्रल पॉइंट है ये कमीज का और ये इस पट्टी का, तो यहाँ पे हम इसको
रख के सिलाई लगा लेंगे। इस हिसाब से सिलाई यहाँ पे शुरू होती है। ये जो कच्ची सिलाई है ये हम बाद में उधेड़ लेंगे जहाँ जहाँ पे नज़र आएगी। अब यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं और अब गाइस देखिए यहाँ पे गौर से ये जो गला है ये इन दोनों का सेंटर पॉइंट, ये गले का भी और ये कमीज का भी, ये ऊपर नीचे रख के यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ये जिस कपड़े पे मैंने चिपकाई हुई थी चेपी, ये गले वाली, ये भी दो पीस थे। अब मैं ये गले को इस तरफ से सिलाइयां लगा लूंगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो चेपी है ये यहाँ पे दोनों साइड से इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब है हमारा गला सही आया है। अब ये अंदर का जो कपड़ा है ये एक पैर का मार्जिन छोड़ के काट के और इसको मैं कट लगा के फिर टर्न करती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये इन नोकों पे मैंने मोती लगाए हैं, एक मोती रह गया वो आपके सामने लगाती हूँ। ये उतना ही मैंने यहाँ से लिया है कपड़ा, उतना इधर से लूँगी और ये मोती जो है ये पूरा आ जाएगा। इसको तार फोर तार का ये धागा है और इसको मैं दो टांके लगाऊंगी मोती को। जी इस तरह ये मोती जो है ये पक्का हो गया और इसको मैं पीछे से सिक्योर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स इसकी बैक साइड पे ये सारी तुरपाई होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये इसकी सीधी लुक है। उम्मीद है आपको ये गला पसंद आया होगा। ये लेडीज़ के लिए है, 40+ 50+ के लिए, तो आप अपनी शर्ट पे ये बना सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।